सो गाइस, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के, क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले है ना अपने इस चैनल पे, न्यूज़ वाले चैनल पे एक वीडियो डाली थी, इसार एयरपोर्ट बिग अपडेट। तो उसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस है, तो दोबारा से आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो उसमें मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल जो रनवे था, एयरपोर्ट का रनवे था, वो स्टार्ट हो गया, यानी वो अभी अपडेट वगैरह बताई थी उसकी। सो आपको मैं बता देता हूँ कि उसका जो रनवे है ना, वो बनना स्टार्ट हो चुका है, और जो कल वीडियो आएगी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वहां पे बनता हुआ, अपने इसार के पास में ही बन रहा है ये, अपना जो बरवाड़ा और इस साइड ये रास्ता जाता है ना चंडीगढ़ वाला, उसके बीच में ही बन रहा है एयरपोर्ट। काफी मस्त क्रेन वगैरह मिट्टी मिट्टी खोदने लगे हैं, लाइव मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इतने दिन से इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि यार मैं थोड़ा बिजी भी चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी हो गई थी, और फिर अपना जैसे कि आपको बता हुआ अपना दूसरा भी चैनल है सुमित कुमार ब्लॉग्स के नाम से, तो ब्लॉग्स तो मेरे हर रोज डेली आते हैं, लेकिन जो न्यूज़ वाला था अभी मैंने कम कर रखा था, यानी एक तरीके से बंदी मान लो। लेकिन अभी मेरे को जैसे मैंने देखा कि इतने सारे ऑडियंस अपनी वेट कर रही है, तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं वीडियो बनाने चल दिया। तो अभी और दूसरे क्या है, जैसे इस चैनल पे मैं अपने जैसे फॉर्म वगैरह निकलते हैं और भी काफ़ी सारी नॉलेज होती है न्यूज़ के बारे, अपडेट के बारे में, जैसे अपना हिसार सिटी है, मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली में, तो अपनी जो हिसार की है उसकी न्यूज़ होगी, अपडेट कंस्ट्रक्शन होगी रनवे, जो काफ़ी सारी लेटेस्ट न्यूज़ें चल रही हैं वो मैं आपको इस चैनल पे जो है प्राप्त, यानी इस चैनल पे मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। तो आप इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट करना, और जो सारी न्यूज होंगी वो 100% रियल न्यूज होंगी। फिर मैंने इसमें आप देखना, स्टार्टिंग में जाके मैंने एक न्यूज डाली थी पेट्रोल पंप वाली हड़ताल, फिर उसके 2 दिन बाद जिस दिन मैंने ये न्यूज डाली थी उस मैंने डेट मेंशन लिखी हुई थी कि इतने से इतने तारीख तक पेट्रोल पंप की हड़ताल रहेगी, वो न्यूज पूरी 100% सही थी। जो कई एक आधे होते हैं पेट्रोल पंप जो चला देते हैं, बाकी जो 80-90% है ना वो पेट्रोल पंप बंद थे उस दिन, तो पब्लिक को इतना पता नहीं था। तो वही बात है ना, अब न्यूज पहले लेटेस्ट पता चल गई, और इस पे मैं पूरी 100% अपनी कोशिश करूंगा, और जो आने वाली वीडियो होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे क्या रनवे का काम चल रहा है, कि कितना प्रोग्रेस पे चल रहा है कितना नहीं चल रहा। और दूसरा क्या था, जैसे आप एयरपोर्ट हिसार का एयरपोर्ट चल रहा है तो उसमें एयर टैक्सी होती है फ्लाइट, तो उसकी कैसे बुकिंग करनी है, कितनी क्या कॉस्ट है, तो आने वाली वीडियो में आप सभी को अच्छे से बताऊंगा, और जो न्यूज़ वगैरह लेटेस्ट आएंगी वो तो आएंगी। तो फिर लास्ट में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने उस वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आई होप आप सभी उस वीडियो पे जितना दिया उस पे और आगे देंगे, और आने वाली वीडियो पे बहुत सारा अपना प्यार बरसाएंगे। तो चलिए गाइस, फिर इसी के साथ, और याद रखना मैं अब ट्राई करूंगा, हैंड ट्राई क्या 100% अपनी कोशिश रहेगी कि न्यूज़ वाले चैनल पे अच्छी अच्छी न्यूज़ आए, डेली न्यूज़ आए, और भी अपडेट होते हैं, जैसे वो मैंने बताया दिया टिकट वगैरह कैसे बुक करनी है अपनी एयर टैक्सी की। सो जो सारे जो काम है ना वो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, और जैसे फॉर्म वगैरह के भी हो गए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।